रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर संक्रमितों के परिजनों ने किया हंगामा। एसएमओ कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कई दिनों से चल रही है मारामारी। मरीजों को उपचार दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं परिजन। रेवाड़ी में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर पिछले कई दिनों से मारामारी चल रही है। हर कोई अपने मरीज को उचित उपचार दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। कहीं ऑक्सीजन तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते संक्रमित मरीजों के परिजनों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। आज संक्रमित मरीजों के परिजनों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब उन्हें 11 बजे रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल बुलाया गया था और कहा गया था कि एक मीटिंग के बाद उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद भी उन्हें अस्पताल प्रबंधन द्वारा इंजेक्शन देना तो दूर, कोई आश्वासन तक भी नहीं दिया गया। बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों ने आज सीएमओ कार्यालय के बाहर खड़े होकर सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्हें रेमडेसिविर उपलब्ध करवाने की मांग की। वहीं बता दें कि दिल्ली की रहने वाली कविता की मां, जो कि कोरोना संक्रमित है और पिछले 3 दिनों से डॉक्टरों ने उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने को कहा गया है, लेकिन वह पिछले 3 दिनों से ही रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल के चक्कर पे चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे अपनी मां के इलाज के लिए कहीं से इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इसके बाद आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और सीएमओ कार्यालय पहुंच उन्होंने हंगामा कर दिया। वहीं एक बुजुर्ग बाप का 32 वर्षीय बेटा कोरोना संक्रमित है और पिछले कई दिनों से निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टरों ने अब उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने को कहा है, लेकिन उसे उपलब्ध नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही अपने बेटे की देखभाल के लिए हूं, अब मैं अपने बेटे की देखभाल करूं या फिर इंजेक्शन के लिए दर दर भटकता रहूं, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। अधिकारी हैं कि उन्हें रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जबकि आए दिन कोरी घोषणाएं करते रहते हैं कि किसी मरीज को उपचार में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, लेकिन यहां तो सब उल्टा नजर आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटा मेरा 32 साल का है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है और काफ़ी सीरियस कंडीशन है उसकी। डॉक्टर ने कहा कि इसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लाइए। और मैं यहाँ सुबह 6 बजे आकर के अस्पताल में लाइन में लग करके अभी तक लगा हुआ हूँ। कभी ये बोलते हैं इंजेक्शन आया नहीं है, कभी बोलते हैं कि कमेटी बिठाएंगे, अभी डिसाइड करेंगे, कमेटी डिसाइड करेगी तो ये किसको देना है किसको नहीं देना है। ये इतनी सीरियस कंडीशन में है, अभी बेटा है, मैं बेटे के पास भी नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। तो मैं यहाँ पर इंजेक्शन के लिए लाइन लगाया हूँ सुबह आकर के, फिर भी उन्होंने बोला है कि यहाँ आए, अभी इंजेक्शन नहीं आया है, अभी आएगा, अभी कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी, तो ये इतना डिले करते हैं। अब कितने समय के लिए बोला गया आपको? नहीं, अभी बोला है कि 12 बजे करेंगे, सुबह हम 6 बजे पहले बोले 11 बजे करेंगे, अभी बोले 12 बजे के बाद डिसाइड करेंगे, तो अभी बोल रहे हैं 1 घंटे बाद करेंगे। तो अभी यही कहना ये है कि इसको कहाँ ये इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इनको ठीक से देखें, इसका वितरण जो है सही ढंग से हो और जिनको ज़रूरतमंद है लोगों को पहुँचाए दिया जाए। नोडल बच्चे इतने सीरियस हैं, अब उनका बताइए उन्होंने देखा क्या है, 32 साल की उम्र में उसने देखा ही क्या है, उसका एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का है, अभी तो इतने उसकी सीरियस कंडीशन है, मैं कहाँ जाऊँ। इसे बिल्कुल सीरियस कंडीशन के अंदर है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। 40-40, 50-50 हज़ार रुपये जो हॉस्पिटल्स हैं जिनकी औकात नहीं है, 10 रुपये की औकात नहीं है, वो हॉस्पिटल हमसे 50-50, 1-1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन खाना पीना उनको वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम एक इंजेक्शन के लिए यहाँ पर रखे खा रहे हैं और इंजेक्शन नहीं है यहाँ पे, और हमारा पेशेंट वहाँ पर मर रहा है।
हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और हम मर जाएंगे, हम खुद मर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, आज वो मर रही है या कल को हम मरेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और तो लोग बोले ये ले इधर आ रहे हैं, कौन एडमिट है? मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे ये इंजेक्शन के लिए बोला गया है। सुबह हम यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं मिलेगा मिलेगा, क्योंकि मिलता नहीं है वहाँ पे, वो इंजेक्शन के लिए हमें बोल रहे हैं, उनको वहाँ अकेला छोड़ कर ना उनको खाना दे पा रहे हैं। सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, अकेली मैं उनके साथ हूँ, अब मैं इधर इंजेक्शन के लिए बैठूँ या उनकी वहाँ सेवा करूँ, मैं क्या करूँ अकेली, कुछ नहीं कर सकते। और ये कुछ तो देख नहीं रहे हम लोगों को कि ये किस लिए परेशान हो रहे हैं, इनके पेशेंट को क्या जरूरत है, किस लिए ये खड़े हैं। हम अपना घर बार छोड़ के इतने लगे हुए हैं, लेकिन कोई हमारी यहाँ ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई हमारी कोई मदद करता है, ना कुछ है। हम कितना वो लाए, हम तो खुद अकेले उनके लिए, उनको वहाँ मर जाएंगे और हम बाहर मर जाएंगे, बस यही हमारे साथ होगा। ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाए। क्या समस्या आपकी? सर मेरी मदर एडमिट है और रेमडेसिविर के लिए डॉक्टर ने लिखा हुआ है, मैं 3 दिन से यहाँ पूरे पूरे दिन वेट करती हूँ, कहते अभी आएगा, अभी है नहीं, सुबह 6 बजे लाइन में लग जाओ, जो आएगा उसको मिलेगा पहले। आज हम सुबह 3 दिन से लाइन में लग रहे, हमें फिर भी नहीं मिला। सीएमओ साहब से मिलना चाह रहे हैं, वो भी मिलने के लिए तैयार नहीं है और मिले भी नहीं है, ना उनका फोन मिलता है। अब बताओ हम किससे मिले, हमें ये बता दिया जाए। गवर्नमेंट को कुछ तो रूल रेगुलेशन होगा, सीएमओ साहब कहाँ बैठते हैं, क्या उनकी ड्यूटी है, पब्लिक को आके एक बारी सुने, हम भी समझते हैं देश की प्रॉब्लम, हमें बताए तो सर दिक्कत आए कहाँ रही है, हम नहीं समझते हमारे देश की प्रॉब्लम, हम भी समझते हैं, लेकिन वो आके हमें सेटिस्फेक्शन तो दे। इतने आते हैं जी, इतने नहीं आते, इतने लोगों को मिलेगा, कितना बंदे को कितनी डिजीज होगी जब दिया जाएगा। आज बोल रहे कमेटी बैठी है, कमेटी डिसाइड करेगी कि किसको देना है और किसको नहीं देना। अब मेरी मदर 3 दिन से जनरल वार्ड में थी, अब कल वो शाम को ICU में चली गई है। अब उस जो कागज 4 दिन पहले जो रिपोर्ट थी, उसके बेस पे डिसाइड कर लेंगे कि वो सीरियस है या उन्होंने रिकवर किया है, बताओ। सर कमेटी का क्राइटेरिया है कोई, डिजिटल है कहीं, रेमडेसिविर आता है, रिसीविंग किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।